हर हर महादेव, देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जान। याद ही नहीं, याद ही सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, बहुत पहले की बात है, एक राजा थे और एक रानी थी। राजा साहब बहुत बड़े पहलवान थे और बलवान थे। राजा जो थे बड़े ताकतवर राजा थे और राजा अपने आप को बहुत बलशाली मानते थे। राजा के पास बहुत बड़ा घमंड था कि मेरा जो शरीर है इतना लंबा है, मेरा भुजा इतना चौड़ा है, हम इतने बलवान हैं, हम तो दस दस व्यक्ति के एक बार लड़कर हरा देते हैं, मेरे जैसा तो संसार में कोई नहीं है। राजा साहब जो थे अपने प्रजा को बराबर सताते ही रहते थे और प्रजा को बात कभी नहीं मानते थे। पूरे प्रजा राजा से थर थर कांपते थे। सवेरा होता था तो प्रजा को लगता था पता नहीं कौन सा बात राजा आदेश भेज देंगे हम लोग का। रात्रि होता था तो चैन से सोते थे, लेकिन सवेरा हो जाने के बाद सबको डर लगता था, धक धक करता था। राजा जो थे, कोई भी उनके घर मजदूर काम करता था तो उसको पैसे नहीं देते थे, लेकिन फिर भी गुरु भाई बहन राजा के घर लोग काम करने जाते थे, क्योंकि डर था। गुरु भाई बहन जो रानी थी बड़ी सुशील थी और भगवान की भक्ति करती थी, ईश्वर में उसका स्नेह था, विश्वास था। राजा से बार बार कहती थी, हे राजन, हे प्रभु, आपने जो प्रजा पे अत्याचार करते हैं वो अत्याचार करना बंद कर दीजिए। हे महाराज, प्रजा सह रहे हैं, भगवान नहीं सहेंगे। राजा साहब को कहना था, भगवान क्या हैं, भगवान कहाँ हैं, भगवान का घर कहाँ है? तो सचमुच में गुरु भाई बहना, भगवान का कहीं घर नहीं है और नहीं तो पूरे संसार भगवान का ही घर है। मानिए तो पूरा संसार भगवान का घर है और नहीं तो भगवान का कोई घर नहीं है। राजा का भी कहना सही था, रानी का भी कहना सही था। गुरु भाई बहन, कुछ दिन बाद रानी का एक कन्या जन्म ली। कन्या बहुत सुंदर थी राजा के। राजा जो अपने कन्या को देखें तो बड़े खुश हुआ, राजा के मन में खुशी मिला और राजा अपने कन्या के नामकरण के लिए ब्राह्मण बुलाए काशी से। काशी जी से ब्राह्मण आए, राजपुरोहित आए और कन्या को नामकरण किए। कन्या के नामकरण सुनकर रानी बड़ी खुश हुई, बहुत सुंदर नाम कन्या का रखा गया। कन्या का नाम राजसुंदरी रखा गया। गुरु भाई बहन, कन्या जो थी धीरे धीरे राजा रानी के छत्र छाया में पलने बढ़ने लगी। और जो रानी थी, रानी अपना शिक्षा और संस्कार अपने कन्या को देने लगी। जब ही में भैलई रामा कन्या छबरी सवायर छब ही बरी सवाजी माता न ज्ञान माम बेटी के देव लरे की करत पढ़ैया रामा शिक्षा माता दिया ले अरे शिक्षा
माता दियाले जी, माता के एक एक बतिया बेटी लगावे लरे की। दीन मान बीतई रामा बीती, जाला राती आयर बीती, जाला राती आहो। कन्या नाम बड़े दिन रात नरे की। कन्या थी, बड़ी संस्कारी थी, दिन रात बढ़ती थी। इतना जल्दी उसको देखने में लगा कि बहुत बड़ा हो गई। गुरु भाई बहना, माता का शिक्षा उसको अच्छा लगता था। माता पढ़ाती थी, लिखाती थी। कन्या जो थी, धीरे धीरे गुरु भाई बहना बड़ी हो गई। कन्या हो गई 16 साल का, तो रानी कहती है अपने पति से, हे महाराज, आपकी जो कन्या है शादी का लायक हो गई है। अपने कन्या के लिए एक सुंदर सा राजकुमार ढूंढ दीजिए और कन्या का विवाह कर दीजिए। जब इस बात को राजा सुने तो राजा झट से कन्या के पास गए और राजा अपने कन्या को सूरत को निहारने लगे और देखने लगे कि मेरी कन्या तो सचमुच में बड़ी हो गई है। आह, इतनी सुंदर कन्या को हम भला प्राय के हाथ कैसे धरा दूं। राजा जो थे, राजा कुकर्मी राजा मरन गए, पापी बन गए। उनका मन में पाप जाग गया अपने बेटी के प्रति। अपने पत्नी से कहती है, कहते हैं राजा, सुनो, हम अपना बेटी से विवाह कोई राजकुमार को नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा बेटी जो है राजसुंदरी है। इसका नाम राजसुंदरी इसलिए है कि ये बहुत सुंदर है, अति सुंदर है। देखने में इसका मुखड़ा जो है संसार में ऐसा किसी का नहीं है। इतने सुंदर कन्या का विवाह भला किसी दूसरे राजकुमार से करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता है रानी। रानी करती है, हाय हाय राय रामा केता, निरदाई आय रे केता, निरदाई आजी, कितना बड़े पपिया पीता रालू रे की। राजवान होई तो राजा तो हा, रोके नाष्टायर तो हा, रोके नाष्टा जी, तोहरो जे बुद्धिया भ्रष्ट हो गेले रे की। बाप और बेटी रामा कैसे करवा ब्याह वायर, कैसे करवा ब्याह वाजी, एहू सुना ताजियरा का पेलरे की। राजा कहते हैं, मारबो कि मरबो तिरिया सिरवा, दो कड़ाए वो यर सिरवा, दो कड़ाए वो जी, ते गवाना सिरवा ऊपर चला देवो रे की। जल्द जल्द कर तिरिया ब्याह, के तैयारी आयर ब्याह, के तैयारी आजी, कन्या से ब्याह में कारवरे की। राजा कह रहे हैं कि मारेंगे कि तुम्हारा सिर जो है दूध धज हो जाएगा, शरीर टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, और नहीं तो जल्दी से कन्या का शादी रचाओ। रानी जो थी, मंत्री के पास गिड़गिड़ाई, राजपुरोहित के पास गिड़गिड़ाई। राजा इतने कसाई और निर्दयी थे कि किसी को बात भी नहीं मानते थे। डरते हुए मंत्री बोले, हे राजन, यदि आप अपने कन्या से विवाह करेंगे तो आपके राज दरबार हम छोड़कर चले जाएंगे। क्यों ना मुझे भीख मांगना पड़े, लेकिन आपके राज दरबार में हम नहीं रहेंगे। राजा ने उत्तर दिए, तो आप मेरे राजमहल छोड़ दीजिए, आप चले जाइए,
राजपुरोहित जी बोले, हे राजन, यदि अपने आप को कन्या से विवाह कीजिएगा तो आपको सारा धन संपत्ति नष्ट हो जाएगा और पूरा संसार में पाप का जागृत हो जाएगा, पाप घर घर गूंजने लगेगा और कोई भी अपना कन्या से विवाह करेगा तो ये गलत है। जो वृक्ष फल देती है वो वृक्ष खाती नहीं है, दूसरे लोग खाते हैं। वृक्ष का फल पक भी जाता है तो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन वो वृक्ष नहीं खाती है। जैसे कि ये कन्या है, माता पिता जन्म देते हैं लेकिन उससे विवाह नहीं कर सकते हैं। ऐसा बात सुनकर राजा ने राजपुरोहित जी पर अपने तेगा को उठाकर और काटने को धमकी दिए और बोले कि चुपचाप आप मेरा सही लगन दिन बता दीजिए, उस दिन का हम कन्या से विवाह कर लेंगे। पुरोहित जी डर के मारे गुरु भाई बहना पूर्णिमा के दिन के रख दिए कि आपका जो दिन है ये पूर्णिमा का दिन सही दिन है, विवाह कर लीजिए, आपका ही मर्जी है। तो रानी जो है, रानी अपने कन्या को इस बात से अनजान रख ली और कन्या को नहीं बताई। कन्या को नहीं पता था कि मेरे पिताजी हैं जो मुझसे विवाह करना चाहते हैं और जो शादी का तैयारियां चल रहा है मेरे पिताजी करेंगे। कोई भी उनसे थोड़ा सा ये भनक नहीं लगने दिए। और ये जो लड़की थी, रानी थी, रानी गुरु भाई बहना भगवान में बहुत आस्था रखती थी। भगवान के मंदिर चली गई, भोलेनाथ के मंदिर चली गई और मंदिर में जाकर रोने लगी। हाथ तोर जोड़ी आई भोला घोड़ा, तोरा पारी आए अरे घोड़ा, तोरा पारी आए जी, सुन ले हो अरज हमारन रे की। पापियान बल ले भोला मोरो, आवरा जवाय रे मोरो, आवरा जवाजी, कैसे कर तने कन्या से विवाहन रे की। फटत धरती आरा हमें छेपे जाए ते अरे हमें छेपे जाए तीजी, पापा हो वाता नहीं देखवरे की। रानी भगवान से कह रही, हे भगवान, ये राजा क्या पाप करने जा रहे हैं। राजा जो हैं, राजा अपने ही कन्या से विवाह करना चाहते हैं। हे भगवान, धरती फट जाता तो हम समा जाते, कुछ तो आप कीजिए। भोलेनाथ ने रानी के वचन सुनकर प्रचंड हो गए और कहने लगे, तू चिंता मत करो, हम राजा के राजमहल जाएंगे, शादी का पूरी तैयारी कर दो, शादी का रचना रचा दो और जब शादी का तैयारी होगा तो दुल्हन बन के तू आंगन में चली जाना और राजा के संग घूंघट में बैठ जाना। जब राजा तुम्हें खोजेंगे गेट बंधन के लिए तो हम अपना पार्वती के तुम्हारे साथ लेकर जाएंगे और जब शादी हो जाएगा तो तू अपना घूंघट को उघाड़ देना, सारा लोग देख लेंगे कि ये कौन है, नहीं तो पाप धुलेगा नहीं। राजा बहुत अनर्थ कर रहे हैं और उसी समय हम मंडप में एक महात्मा के रूप धर के आएंगे और महात्मा के रूप धर के राजा को समझाएंगे, चिंता मत करो पुत्री। भगवान भोलेनाथ प्रकट होकर और अपने शीश से वचन दिए। रानी निश्चिंत होकर अपना घर लौट गई, घर लौट गई और
हसिए हसिए रानी कैले तैयारी आय रे कैले तैयारी आजी शादी के स्वामर रचागल रे की आइयो में गेले रामा ओही शोभा दीना मायर ओही शोभा दीना माजी जय देना राजा के बीवानु रे की राजवा के खुशिया रामा तनिको नाही साए अरे तनिको नाही साए जी कन्या से ब्यावा कर लौतावल रे की रानी आंज बोलई रामा राजा सेती बाती आय रे राजा सेती बाती आजी कन्या के मुहामा नहीं देखा वो रे की शादिया के दिन हमारा मालाए बैमड़ा पावायर लाए बैमड़ा पावाजी कन्या के मुहामा नहीं देखिया रे की हासी हासी बोलई रामा रानी से राजा बाती आय रे रानी से राजा बाती आजी सुनो तेरे आया राजा हमारन रे की घंटा दोए परिया तिरिया कन्या के घुंघाटा वाय रे कन्या के घुंघाटा वाजी निसिया दे रटिया घुंघटा उतार वरे की। गुरु भाई बना राजा के मन में पाप जागृत था और राजा खुशी के मामले फूली नहीं समा रहे थे। राजा बड़े खुश थे कि अपना कन्या से विवाह करेंगे। जब सोमर रचा गया सारे लोग आ गए। सोमर के बीच में सारा लोग सर झुका रहे थे कि राजा ये पापी है, लेकिन राजा के डर से सारा लोग सोमर में आ चुके थे और राजा के आपस में बात करके थू थू छी छी कर रहे थे, लेकिन राजा भला उस बात को कहाँ सुनने वाले थे। राजा तो अपना खुशी में बावले हो चुके थे और लग रहा था कि हम अपना कन्या से विवाह करके आज हम बहुत बड़े कार्य करने वाले हैं, क्योंकि हम इतने साहसी राजा हैं, हम इतने बलवान राजा हैं, तो हम क्या नहीं कर सकते, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो भला अपने कन्या से विवाह क्यों नहीं कर सकते हैं। जब सोमर के बीच में ये जो रानी थी, रानी 16 सिंगार में सज गई और 16 सिंगार में सज के और पूरा 32 गहना आभरण पहन ली और घूंघट में रानी सज गई दुल्हन बन के। उनकी जो पत्नी थी वो दुल्हन बन के सज गई और ऐसा देखकर बेटी जो थी, बेटी चकित खा रही थी कि मेरे माता पिता का फिर से विवाह है। माता ने क्या किया कि एक कमरे में बेटी का बंद कर दिया और बोला तू बाहर मत निकलना, क्योंकि माता पिता का विवाह होते कन्या नहीं देखती है, इसलिए बेटी तू इस कमरे में बंद रहना, कोई भी खोले तो बाहर मत आना। कन्या ने माँ के बात समझ गई कि माँ ठीक ही कहती है, भला माता पिता को विवाह होते हम कैसे दे सकते हैं, नहीं हम नहीं देखने जाएंगे। वो कमरा में बंद रही। रानी जो थी, रानी घूंघट में सज गई और माता पार्वती उसी समय रानी का रूप धारण करके और वहाँ खड़ी हो गए और खड़ी होकर और इसे ले गए सोमर के बीच में और सोमर में के बीच में ले जाकर खड़ी कर दिए, राजा के हाथों धरा दिए। माता पार्वती राजा के पत्नी के, राजा तो सोच रहे थे कि मेरा बेटी ही है। राजा ने खुशी खुशी अपने बेटी को हाथ को स्वीकार कर लिए और स्वीकार करके और जयमाला डाल दिए गले में, जयमाला डालकर और मांग में सिंदूर लगा दिए,
सिंदूर लगाकर और कहने लगे कि जरा अपना मुखड़ा तो सबको दिखा दो, क्योंकि हम अपने कन्या से शादी किए हैं। मेरा कन्या का मांग में सिंदूर भरने में कैसा मेरा कन्या लग रही है। ऐसा बात राजा बोले तो जो पत्नी थी झट से अपना घूंघट को उठाकर और पूरे प्रजा के सामने, पूरे राजा जो वहाँ देश प्रदेश के राजा जुटे हुए थे सबके सामने अपना मुखड़ा को उघाड़ दी। सारा लोग देखे तो कहते हैं कि ये तो वही रानी है, कन्या नहीं है। राजा ऐसा देखकर झट से जिस तेगा से मांग में सिंदूर भरे थे अपने पत्नी को, उसी तेगा उठाकर रानी को काटने के लिए तैयार हो गए कि तूने मेरे साथ छल की हो, हम तुम्हें जीने नहीं देंगे, तुम्हें काट कर और इस वक्त अभी हम अपने कन्या से विवाह करेंगे। इतना ही में महादेव एक महात्मा के रूप धारण कर लिए और महात्मा के रूप धारण करके और वहाँ पे सोमवर के बीच खड़े हो गए और कहने लगे, धन्य हो राजन, धन हो, धन हो। ये राजा जो थे महात्मा को देखकर नीचे सर झुका लिए और कहने लगे, महाराज आप कौन हैं? कहते हैं कि हम ऋषिवर एक तपस्वी हैं, हम वन में 12 वर्ष से तपस्या कर रहे थे और आज तुम्हारे पास इसीलिए आए हैं कि तूने घोर अपराध करने जा रहा है। यदि हम इस क्षण श्राप दे देंगे तो तुम्हारा राज नष्ट हो जाएगा, तेरा शरीर जल जाएगा, अपने कन्या को अपनी आंखों से देखा तो। हे राजन, जल्दी से अपना तेगा नीचे कर लो। यदि कन्या के एक बार भी बोला कि हम विवाह करेंगे अपने ही कन्या से तो, जब ऐसा बात है तो जब अपना ही पुत्री से विवाह करना होता है तो हम तुम्हें उदाहरण देते हैं। तूने तो प्रतिदिन लैट्रिन जाते हो, क्या उसे तू भोजन कर सकते हो, उस मल को? क्या मूत्र को तू पी सकते हो? उसी तरह कन्या है, कन्या को देखकर पिता को आग शर्मिंदगी से झुक जाना चाहिए। तूने तो एक पापी पिता निकला कि जो कि अपने कन्या से विवाह करने को लिए शर्त किया है कि हम कन्या से विवाह करेंगे। राजा जो था, राजा हाथ जोड़कर खड़ी हो गया और बोला, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान बोले, महादेव तो जल्दी से मेरा प्रश्न का उत्तर दो, क्या तू खा सकते हो? राजा बोले, नहीं महाराज, मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया। हमने तो चाहते थे कि हम सब कुछ कर सकते हैं तो कन्या से विवाह क्यों नहीं कर सकते हैं? हम एक साहसी राजा हैं, हम बलवान राजा हैं, पहलवान राजा हैं, तो कन्या से विवाह क्यों नहीं कर सकते हैं? महादेव बोले, तो क्या करना है शादी? अभी तुरंत हम श्राप दे देंगे, तेरा शरीर जो है वो जल के भस्म हो जाएगा। और नहीं तो कन्या से विवाह करना है तो अभी तुम्हें हम तुरंत मृत्यु दंड देते हैं, मृत्यु दंड को स्वीकार कर लो। और तुम में क्षमता है, तुम बहुत ताकतवर हो, बहुत बलवान हो, तो दूसरा जन्म मनुष्य तन में लेकर दिखाओ और अपने कन्या से दूसरा जन्म में विवाह कर लेना, क्या तुम्हें मंजूर है? राजा इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया, कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और राजा हाथ जोड़कर खड़ी हो गया महादेव के सामने। ये जो संत महादेव बने हुए थे, तपस्वी ऋषिवर बने हुए थे, और राजा के सर झुकाते ही महादेव अपना बड़े बड़े जटे वाले, गले में नाग, उनका फुफकारता हुआ सावरी रंग चेहरा और विषैला उनका पूरा भयानक रूप लेकर महादेव वहां प्रकट हो गए, जो कि तांडव करने लगे आंगन में, राजा के स्वयंवर में तांडव करने लगे और बोले कि राजन, इसी क्षण हम तुम्हारे राज को नष्ट कर देंगे, नजर उठाकर देख लेंगे, मेरी तीसरी जो आंख है वो आंखें खुल जाएगा तो तेरा राज जल थल पानी से भर जाएगा, तेरा राज पता नहीं चलेगा। हे दुष्ट राजा,
हम तुम्हें वचन देते हैं कि जब तू मनुष्य तन में जन्म लेगा तो तू निसंतान रहेगा, तेरा कोई पुत्र पुत्री नहीं होगा, तू निसंतान राजा बनेगा। राजा तो बहुत बड़े राजा बनोगे लेकिन तू निसंतान रहेगा। राजा ने उसे, भगवान ने उसे श्राप दे दिए। राजा ने थर थर कांपते हुए भगवान से क्षमा मांगे लेकिन भगवान उसे माफ नहीं किए और रानी से बोले, हे रानी, अपने कन्या का किसी अच्छे वर ढूंढकर सोमवर में आए हुए राजा के पुत्र से विवाह कर दो इसी सोमवर में, और कन्यादान हम करेंगे। ए राजा को हाथ न लगाने देना, अपने गंदे हाथों से राजा तुम्हारी कन्या को छू देंगे। भगवान भोलेनाथ ने उसी क्षण रानी से बोले, रानी ने वर ढूंढी उसी सोमवर में आए हुए राजकुमार को और कन्या के बुलाकर उसी समय अपने कन्या के विवाह एक सुंदर वर राजकुमार से कर दिए। महादेव ने कन्यादान किए, माता पार्वती ने आशीर्वाद दिए और रानी के कन्या के विदा कर दिए। जो कन्या थी प्राय घर अपना राजकुमार के साथ चली गई ससुराल। जो राजा थे और रानी अपना घर में रहें, लेकिन जो रानी थी कभी कोशिश नहीं की कि हम अपना कन्या को अपना घर लाएंगे। राजा को प्रजा के सामने हाथ जोड़ना पड़ा, माफ़ी मांगना पड़ा और सर भी झुकाना पड़ा। विवाह भी नहीं हुआ, जो होना चाहिए वही हुआ, सत्य का विजय। रानी बोली, महाराज हम आपसे कितना विनती किए, कितना गिड़गिड़ाए, यदि मेरा बात मान लेते तो आपको सर नहीं झुकता। मंत्री जो राज निकाला देश निकाला दे दिए थे, वो मंत्री भी बोले उसी क्षण आकर कि हे राजा, आपका बहुत बड़ा अभिमान हो गया था, तो ठीक है आपका तो महल त्याग दिए हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपके सामने आपके राज को जीत कर दिखाएंगे। मंत्री ने राजा के राज पर आक्रमण कर दिए और आक्रमण करके युद्ध करके राजा के राज जीत के और राजा को प्रजा बनाकर छोड़ दिए, जो कि राजा एक प्रजा के रूप उसी राज में रहने लगे और मंत्री वहाँ उसके घर के जो थे वो राजा बन गए और सारे प्रजा मंत्री से ही खुश थे। हे भगवान भोलेनाथ, जैसे उस रानी पे दया किए, आप दर्शन दिए, जैसा चाही रानी वैसा हुआ, उसी तरह सब पे अपना दया बरसाई। महादेव सबको दर्शन दीजिए और सबको कार्य का पूरा कीजिए, कन्या का यज्ञ को पूरा कीजिए। और जैसे आप एक माता पिता बन के महादेव जी कन्यादान किए, सबके वरवधू को आशीर्वाद देकर और भरमुख सुहागन आशीर्वाद देकर सुहागन रहने का आशीर्वाद दीजिए। हे प्रभु, आपसे मुझे यही विनती है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।